अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फारूक खान। वेलकम बैक टू एंड द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 15 होमियोस्टेसिस के बुक के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर एंड इट्स ट्रीटमेंट। आई नो ये बड़ा होगा, असल में इसमें कॉजेज भी बताने और ट्रीटमेंट भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 भी एक्सट्रीमली लॉन्ग थे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी पेपर में आएगा तो वो आपके नंबर के हिसाब से ही पॉइंट आउट करेंगे, यहाँ तक कि टाइम मैनेजमेंट भी होती है। सो या तो यहाँ पे कॉजेस आएंगे, कॉजेस लिखे हुए होंगे, मेंशन होगा कि आपको सिर्फ कॉजेस लिखने या फिर ट्रीटमेंट, उनको भी पता होता है कि टाइम के हिसाब से बच्चों को मैनेज करना है, सो वो टाइम के हिसाब से ही देते हैं और नंबर्स के हिसाब से देते हैं, इतना बड़ा लॉन्ग नहीं देंगे। या फिर मेंशन कर देंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉजेस लिखना है, 1 लिखना है या 2 लिखना है या फिर ट्रीटमेंट कम लिखनी है, तो ये होगा, इसलिए टेंशन ना लें। लेकिन ये बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसलिए ये लॉन्ग ही होगा, इसमें किडनी फेलियर के डायलिसिस वगैरह होगी, इसकी ट्रीटमेंट होगी, सो दैट्स वाई। किडनी फेलियर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें किडनी सडनली या ग्रेजुअली लॉस कर देता है अपना काम करना, फर्दर वो काम नहीं कर सकता। इसमें क्या होता है कि किडनी फेलियर में किडनी फेल हो जाता है कि वो एक्सक्रीट कर सके नाइट्रोजनस वेस्ट को। ये क्लासिफाई होते हैं एक्यूट और क्रॉनिक से। लाइक हम ये कह सकते हैं कि मेड्यूलर कंडीशन में मोर देन 85% ऑफ बोथ द किडनीज अफेक्ट हो जाती हैं, ये परफॉर्म नहीं कर पाते अपना ऑस्मोरेगुलेटरी एक्टिविटीज़, एक्सक्रीट नहीं कर पाते नाइट्रोजनस वेस्ट को। एक्यूट किडनी फंक्शन कौन से होते हैं, एक्यूट किडनी फेलियर कौन सा है और क्रोनिक किडनी डिजीज़ कौन सी है, ये हमें बताना है। एक्यूट वो होते हैं जिसमें कि सडनली लॉस कर देता है किडनी, सडनली अपना काम नहीं कर पाता है। इसमें है ना ये डेवलप होता है फ्यू डेज में, लाइक उनमें जो सफ़र ही कर रहे हैं रेनल एबनॉर्मलिटीज से या फिर हॉस्पिटलाइज ही हैं। आप ये देख सकते हैं ना, आपने देखा होगा कभी ना कभी, कोई किसी का सुना होगा कि उसकी किडनी कोई बीमारी से वो सफ़र कर रहा था और उसकी किडनी फ़ौरन से ही काम करना छोड़ गई। तो ये इसका ही मतलब होता है कि वो एक्यूट किडनी फेलियर होता है जिसमें कोई मरीज़ लिवर फेलियर से या सिवर एलर्जिक कंडीशन के साथ सफ़र कर रहा होता है, हार्ट के उसकी किडनी ही काम करना छोड़ देती है। तो ये वो डिज़ीज़ होती है एक्यूट किडनी फेलियर जो सडनली लॉस कर देती है फिल्ट्रेट एबिलिटी को। इसमें सडन डिहाइड्रेशन होती है ड्यू टू स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन होती है ड्यू टू स्टोन या एनी अदर इन्फेक्शन, लाइक स्टोन और इन्फेक्शन की वजह से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। यहाँ पे क्या हुआ कि यूरिन ट्रैक में कोई ना कोई स्टोन आ गया है और उसकी वजह से यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है। तो उसकी वजह से भी ये है कि ये एक्यूट किडनी फेलियर है जिसमें मरीज़ पहले से ही कोई ना कोई बीमारी से सफ़र कर रहा था और फिर उसको किडनी फेलियर से भी सफ़र करना पड़ा। क्रोनिक किडनी डिजीज़ क्या होती है, ये डिजीज़ इन्वॉल्व करती है ग्रेजुअल लॉस इन द किडनी फंक्शन। लाइक इनिशियली इसके पास कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, बट आहिस्ता आहिस्ता अगर हम ब्लड की यूरिन का टेस्ट करें तो इंडिकेट करवाता है प्रॉब्लम को। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि किडनी इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि फटीक फील होता है, आपको ये फील होता है कि आप थकावट महसूस कर रहे हैं, शॉर्ट ब्रीथ, सॉइल इन हैंड या फीट, ब्लड एंड यूरिन, तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके कॉज होते हैं हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, सिस्ट डेवलप इन द किडनी, किडनी स्टोन्स, इन्फ्लेमेशन, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, ये इसके सारे कॉज हैं, इसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकता है। डायलिसिस, डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसीजर है जो सेपरेट करता है अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को फ्रॉम द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन, जो किडनी नहीं कर पाती है, किडनी अब फेल हो गई है, तो इसकी वजह से डायलिसिस होता है। ये आर्टिफिशियल मीन के जरिए ब्लड को साफ करता है। ये परफॉर्म होता है जब किडनी फेल हो जाती है टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी को फील होता है अनरेस्ट पर्टिकुलरली ब्रीथिंग में। इसमें लेटर ऑन ये सीरियस इन्फेक्शन भी कॉज करता है जिसमें आपके पास हार्ट फेलियर और डिमेंशिया आ जाता है। डिमेंशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलिसिस भी हैं, इसमें हम ये कहते हैं कि हीमोडायलिसिस भी है, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी है जिस, और ये कह सकते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस भी है। हीमोडायलिसिस परफॉर्म होता है मशीन से, लाइक आर्टिफिशियल किडनी कंटेन करती है नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स और इसमें एक टैंक होता है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं डायलिसाइज फ्लूइड। अब इस फ्लूइड के पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इस ब्लड, एक्सेप्ट ये लीक करता है नाइट्रोजनस वेज, इसमें नाइट्रोजनस वेज नहीं प्रेजेंट होता। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि वेज प्रोडक्ट को ब्लड से लेके आते हैं और पास से बैक करते हैं इस फ्लूइड में, इसके बाद डिफ्यूजन के जरिए। अब क्या होता है कि डिफ्यूजन आप देख सकते हैं ना, डिफ्यूजन वो होती है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूवमेंट होती है। अब ब्लड में नाइट्रोजनस वेज है तो वो मूव करेगा टैंक में जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट है पहले से ही।
अब क्या होता है कि जब नाइट्रोजनस बेस ब्लड से आके इस फ्लूइड में प्रेजेंट हो गया है तो ये ब्लड प्योरीफाई हो गया। अब ये प्योरीफाई ब्लड वापस से पेशेंट की वेंस में जाएगा और फिर अदर से कनेक्ट हुआ हुआ है अदर एंड ऑफ द डायलिसिस मशीन से वैसे ही रेगुलेट करना शुरू कर देगा। इसको हम ये कहते हैं कि सिमिलर फंक्शन है किडनी से बट ये डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें रीअब्सॉर्प्शन नहीं इन्वॉल्व होती। हीमोडायलिसिस नॉर्मली परफॉर्म करता है 4 आवर ट्रीटमेंट और इसमें 3 टाइम्स इन अ वीक इसको करना होता है हीमोडायलिसिस, जबकि कंटिन्यूअल रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी सेम केस है हीमोडायलिसिस के यूज होता है पेशेंट के लिए जो क्रिटिकल कंडीशन में है या डिजाइन करते हैं उसके लिए जो टॉलरेट नहीं कर सकते कि रिपीटेड प्रोसीजर हो या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस हो। रिपीटेड प्रोसीजर लाइक वो ना उसको सह नहीं सकते, वो टॉलरेट नहीं कर सकते कि उनके हीमोडायलिसिस हो 3 वीक्स में। इसके लिए ताकत चाहिए उसको कनेक्ट करो मशीनरी से, सो दैट्स वाई जब ये स्टार्ट होता है तो ये कंटिन्यूसली 24 आवर्स में हो रहा होता है। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब भी डायलिसेट को पोर करता है ना एब्डोमिनल कैविटी में तो ये टॉक्सिन को ब्लड से लेता है और पास करता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन बाय डिफ्यूजन और फ्लूइड इन बॉडी में रह जाता है। सेवरल आवर्स एक्सचेंज कर रहा होता है, लाइक ये अलाउ करता है कि एक्सचेंज हो रहा है क्लोबीडियम आयनिक कंसेंट्रेशन की वापस से हो जाए, नॉर्मल हो जाए, मेंटेन हो जाए ब्लड के साथ और अंडरलाई कर रहा होता है, चल रहा होता है ब्लड वेसल्स में बिफोर बींग डिस्कार्डेड। इसको हम कहते हैं कि डायलिसाइड फिर आगे रिमूव करते हैं जब ये सेचुरेटेड हो जाता है बिल्कुल हर तरीके से। इसने ब्लड को साफ कर दिया है और खुद इसमें सारा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो गया है। इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं अगर नीड हो और ये रिपीट करते हैं 4 to 5 times आर डे। बहुत मुश्किल होता है वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को ना ऐसे समझाना। किडनी ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट एक मेजर सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है किडनी फेलियर की डिसऑर्डर की। लाइक अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आप खुद भी देखें डायलिसिस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ये बेहतर समझा जाता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट ही कर दिया जाए, किसी से किडनी मैच करवाई जाए एंड देन फिर किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, बंदा तकलीफ से बच सकता है। सो इस प्रोसीजर में एक हेल्दी किडनी ली जाती है। आप ये पता है हमारी बॉडी में 2 किडनीज हैं, हमारा काम एक किडनी से भी चल सकता है। दैट्स वाई अल्लाह ताला ने शायद हमें इसलिए 2 किडनी दी है कि ताकि हम किसी और की हेल्प कर सकें जब उसको ज़रूरत हो। किडनी को लिया जाता है हेल्दी पर्सन से, देन फिर उसको प्लेस किया जाता है लोअर बेली ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। किडनी ट्रांसप्लांट जब होती है जब पेशेंट की किडनी 90% काम करना छोड़ दे, उसके पास ये एबिलिटी ना हो कि वो फंक्शन कर सके नॉर्मली, और इसके कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, किडनी स्टोन्स की वजह से ये किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। और ये आप खुद पता है आपको कि डायलिसिस से बेहतर है। प्रिंसिपल ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, सो किडनी ट्रांसप्लांट रिक्वायर करता है सेम ब्लड ग्रुप बायोकेमिकल कंपोनेंट्स विद द किडनी डोनर और रेसिपिएंट, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको रेसिपिएंट कहते हैं, डोनर के साथ मैच करने चाहिए। कंपेटिबिलिटी नेसेसरी होती है, विदाउट एड हमारी इम्यूनिटी उसको ही तबाह कर देगी। होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम ना करना शुरू कर दे क्योंकि किसी और की बॉडी से आया है, बाहर का फॉरेन है, फॉरेन पार्टिकल्स है, एंटीबॉडीज हो सकती हैं, तो ये होता है कि सप्रेस कर देता है। हमारे पास एंटीजन अगेंस्ट द इम्प्लीमेंट किडनी बाय द इम्यून सिस्टम पर्टिकुलरली फ्रॉम ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन सिस्टम शुड बी मिनिमाइज। उसको कुछ ना कुछ दवा वगैरह देते हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और वो उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पाती और उसको एक्सेप्ट करने में मदद होती है। सो ये था प्रिंसिपल ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, आई होप समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, MCQs भी कर चुके हैं हम। इंशाल्लाह अब मैं बॉटनी का कोई चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी, आई थिंक मुझे इनहेरिटेंस वाला स्टार्ट करवाना चाहिए, जेनेटिक्स वाला। सो होप सो हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।